हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज की हमारी रेसिपी है मसूर की दाल। तो आज हम बनाएंगे मसूर की दाल। तो हमारे पास मसूर की दाल है 1 पाव, तो हमने 2.5 गिलास पानी के कुकर में डाल दिए हैं। पानी जो हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे दाल। तो व्यूअर्स, पानी में हमने दाल जो है वो डाल दी है। इसके बाद हम ऐड करते हैं प्याज। तो व्यूअर्स, हमने एक छोटे साइज की प्याज ली है क्योंकि हम तड़के में डालते हैं ज़्यादा प्याज और दाल में कम प्याज डालते हैं पकते टाइम। इसके बाद हम ऐड करेंगे लहसुन के जोए, ये हमने 1 गठी लहसुन की ले ली है। तो इसके बाद व्यूअर्स, हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून। इसके बाद हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद हम ऐड करते हैं टर्मेरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम डालते हैं पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून। इसके बाद हम डालते हैं रेड चिली, दड़ा मिर्च जिसे हम बोलते हैं, 1/2 कुटी हुई 1/4 टीस्पून। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम दाल को प्रेशर लगाते हैं जस्ट 5 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ये व्यूअर्स, हमने प्रेशर जो है वो लगा दिया है। जस्ट 5 मिनट हम दाल को पकाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे तड़का। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी है। ठंडे होने पर मैं आपको दिखाती हूँ और तड़का भी लगाते हैं। तो सिर्फ 5 मिनट मैंने प्रेशर लगाया है तो दाल माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। तो जी व्यूअर्स, ये देखें दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम लगाते हैं दाल को तड़का। तड़का लगाने के लिए हमने चूल्हे पर एक पैन रखा है और पैन में हम डालते हैं ऑयल। हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। तो फ्लेम हमने ऑन कर दी है। अब ऑयल हमारा गर्म होता है तो हम डालते हैं इसमें लहसुन जो हमने छोटा छोटा चॉप किया हुआ है। जी व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे लहसुन। हमने लहसुन को लाइट ब्राउन करना है और लहसुन के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज। तो व्यूअर्स, प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, प्याज के बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। ये देखें व्यूअर्स, हरी मिर्च जो है वो हमारी फ्राई हो रही है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, पाउडर 1/2 टीस्पून। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसको थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे।
हमारी भुनाई जो हो चुकी है, अब हम डालेंगे इस भंगार को दाल में। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा तड़का जो है वो रेडी है दाल पे डालने के लिए। हम थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा छींटे नहीं होगा। तो व्यूअर्स, हमारी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैंने दाल को दोबारा चूल्हे पर रख दिया है ताकि तड़का जो है वो मिक्स हो जाए। अब हम डालते हैं हरा धनिया जो हमने बारीक काट कर रखा हुआ था। थोड़ा सा दाल को पकने देंगे, इसके हम बाद डालेंगे गरम मसाला। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी दाल जो है मुकम्मल वो तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।